Hey guys, good morning and welcome to my channel Indian Mom Kanchan. So guys, अभी 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे धूप देखो कितनी है यार। ये मतलब समर ने ना परेशान कर रखा है और मुझे ना इतनी जलन हो रही है, पता नहीं इसे पेट में भी जलन हो रही है। मुझे लगता है कि मैं पानी कम पी रही हूँ आजकल। इनको बताया मैंने तो ये बोले कि पानी ज़्यादा पिया करो, तो अभी मैंने क्या करूँगी, जो बॉटल मैंने ली है ना मीशो से स्टील वाली, एक एक लीटर की 3 बॉटल है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना ये वाली। तो ये मैं अभी मेरे बेडरूम में रखा करूँगी, मतलब याद रहे कि मुझे पानी पीना है। मुझे पानी पीना की याद ही नहीं रहता यार, मतलब भूल जाती हूँ मैं बिल्कुल पानी पीना। और अभी भी हेयर वॉश किया है, नहा लिया है तो बाल गीले ही है, तो इस वजह से अभी इसे सुखाना भी अच्छा लग रहा है यार। मतलब गीले गीले बाल अच्छे लग रहा है क्योंकि ठंडा ठंडा लग रहा है ना इसी वजह से। ये तो गर्म इतना जलता है आजकल, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गर्मी की वजह से। वैसे भी गर्मी जब स्टार्ट हो जाती है ना इतनी ज़्यादा परेशानी होती है मुझे। और मुझे मेरा जो फेवरेट सीज़न है ना वो कौन सा है, क्या बोलते हैं, रेनी सीज़न, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत लोगों को पसंद नहीं है बट मुझे बहुत पसंद है। जैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो जाता है तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मौसम मेरा फेवरेट मौसम है। और गर्मी का मौसम तो इतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि कब चला जाए जल्दी से आके। ओह, बच्चों के लिए अच्छा रहता है, मतलब बच्चों को अच्छा लगता है बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो कामों में लग जाते हैं। कारपेंटर आए ही नहीं आज हमारे, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो गया, शायद हॉस्पिटल में बोल रहे थे अभी ये देखने जाने वाले हैं उन्हें। वैसे अभी और कितने दिन नहीं आएंगे वो भी नहीं पता, तो उनको कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है तो इसी वजह से वो हॉस्पिटल गए। क्या कर रहे हो इतने धूप में? बस गाड़ी काम कर रही है। गाड़ी तो घर पे इतना अच्छे से चमकाता है ये कि ऐसा लगता है कि शोरूम से चमका के लाया, मतलब सर्विसिंग करा के लाया। अरे बाप रे, चमक गई। लेकिन नहीं, मैं अभी बाहर नहीं जा रही हूँ ना इसी वजह से, नहीं तो मेरी भी चमकाते हैं यार, मेरी भी चमकाते हैं। देखो इतना अभी तो मैं बाहर नहीं जा रही हूँ ना इसी वजह से, इसके कवर पे भी इतनी ज़्यादा धूल है। अभी कवर लगा के रखी है, नहीं तो मैं बाहर जाती थी ना डेली तो कवर नहीं रहती थी इसे। अभी कवर इसी वजह से लगा के रखी है। और पता नहीं अभी ये चल रही है या नहीं, ये भी नहीं पता है हमें। चल रही नहीं है, उस दिन ले गया था। अच्छा, फ्यूल है उसमें वैसे बट पता नहीं अभी लेके जाने का काम ही नहीं पड़ रहा है वैसे, अभी ये लॉकडाउन की वजह से। और ये अभी लेके आना बेटा गाड़ी। ऐसी आवाज आ रही है। हां क्या आवाज? रानी कैसे रानी? वही सोच रही हूँ, किससे रानी बोल रहे हो? अच्छा ये रानी, ये तो रानी आप अपने बेबी से भी ज़्यादा ख्याल करते हो अपने रानी का। अच्छा पहले बीबी अच्छी है, लेकिन अच्छी होगी। बाल पता नहीं यार ड्राई नहीं हो रहे हैं। कल मैंने ना ऑयलिंग की थी और उसके बाद आप देखो हेयर वॉश किया है शायद। अरे अरे मोबाइल बज रहा है तो शायद उसका ऑयल नहीं निकला है। 2-3 बार शैम्पू लगाना चाहिए था मैंने, ऑयल देखो बिल्कुल भी नहीं निकला है, चिपचिप अभी भी है। और मैं ऑयलिंग करती हूँ ना इतना ज़्यादा, भर भर के ऑयल लगाती हूँ तो दूसरे दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। देखो पिंपल भी आ गया है। और हाँ, गुड़ी पड़वा की तैयारी हुई है या नहीं हुई है आपकी बताना ज़रूर। तो गाइज मैं आपके साथ अभी मैंने जो परचेस किया है अमेजोन से वो शेयर करने वाली हूँ। कुछ क्लोथिंग आइटम है और कुछ ऐसी रैंडम से चीज़ें ली है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ मैंने जो जो भी चीजें ली है। और इतनी अच्छी क्वालिटी की मुझे रिसीव हुई है ना कि आपको क्या बताऊँ। जैसे कि मैंने मॉल से परचेस की है, इतनी सुंदर क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है। और थोड़ी सी खटखट की आवाज आएगी आपको क्योंकि बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपको तो पता ही है। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है और शादियां भी है बहुत सारी, आपके भी घर में शादियां होगी तो इसी वजह से आपको हेल्प मिल जाएंगी इस वीडियो से। तो चलिए फिर एक एक करके दिखा देती हूँ आपको। और हाँ, गुड़ी पड़वा है आगे, तो मैंने गुड़ी पड़वा के लिए भी कुछ लिया है, तो गुड़ी पड़वा की तैयारी भी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए एक एक करके दिखा दी मैं आपको। तो सबसे पहले ना ये
प्लाजो से स्टार्ट करती हुई, बहुत 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 ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है। ऑफ व्हाइट कलर में है और ये देखिए स्ट्रेच, देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है इसका, ये क्या बोलते हैं तो इलास्टिक। और उसके बाद कपड़ा देखो एकदम मॉल क्वालिटी है, बहुत ज्यादा सुंदर कपड़ा है। और उसके बाद घेर भी देखिए, बहुत ज्यादा घेर दिया है इसमें। तो मुझे पर्सनली ये वाला जो प्लाजो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, पहन के भी मैं आपको दिखा दूंगी, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको भी। और मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसका जो ब्रांड है वो ब्रांड नेम, अभी तो ब्रांड नेम नहीं दिख रहा है, ब्रांड नेम नहीं दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। सारे जो मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगी आपको, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको इसमें से परचेस करना है, आपको पसंद आता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे इसके। तो ये है मेरा फर्स्ट परचेस, कुछ ही सिलेक्टेड आइटम लिए है बट इतने अच्छे क्वालिटी के रिसीव हुए है ना कि आपको क्या बताऊं, आप देख ही लोगे अभी। और उसके बाद मैंने लोअर पहले दिखा देती हूँ आपको, इसके बाद मैंने ये वाला स्कर्ट लिया है। कोई भी मतलब आप इस पे ब्लाउज या कोई भी कलर का टॉप पहन सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा घेर है, मतलब घेर तो आप देखते ही रह जाओगे इसका। ये देखो इसका घेर देखो, इसके अंदर अस्तर भी दिया हुआ है। इसके बाद इसका घेर देखो, बहुत ज्यादा घेर है इस वाले स्कर्ट में। और आप अगर आने के बाद आपको अच्छा ना लगे ना तो मुझे बताना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, क्योंकि किसी को भी पसंद आने वाला है। अगर आप ये कलर नहीं लेना चाहते हो तो इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं, आप कोई भी आपकी चॉइस का कलर ले सकते हो, मतलब ग्रीन, रेड, ब्लू, काफी सारे कलर इसमें अवेलेबल है। कोई भी कलर आप लोगे ना तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा सूट करेगा और आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि घेर बहुत ज्यादा है इसमें। और कोई भी जैसे शादी हो या कोई भी रिसेप्शन हो, आप इसको पहन सकते हो। इसके ऊपर कोई भी ब्लाउज पहन लो, टॉप पहन लो, आप रेडी हो जाओगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, बहुत अच्छा लगेगा ये वाला स्कर्ट आपके ऊपर। मैंने ये जानबूझ के क्या बोलते हैं गोल्डन या क्रीम कलर बोल सकते हो, गोल्डन है ये कलर, मतलब गोल्डन, और इसके नीचे ये गोल्डन की गोटा पट्टी दी है। बहुत 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 ज्यादा सुंदर है, मतलब 5 में से 5 स्टार है इसके लिए तो। और उसके लिए भी मतलब जो भी मैंने कपड़े लिए हैं ना तो वो 5 स्टार वाले कपड़े हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, 5 रेटिंग वाले पूरे के पूरे कपड़े हैं ये। और उसके बाद मैंने लिया है ये कुर्ता, और आप देख सकते हो कितनी प्यारी कुर्ती है। मुझे आजकल पता नहीं व्हाइट कुर्ती है क्यों पसंद आ रही है, मतलब तो ऐसा होता है कभी कभी कोई चीज हमें पसंद आ जाती है ना तो वैसे ही उसी कलर में हमें पसंद आ जाती है सारी चीजें। तो व्हाइट कलर में ये कुर्ती है, और आप देख सकते हो इसको भी घेर कितना ज्यादा है, और एम्ब्रॉयडरी इतनी ज्यादा फाइन की हुई है ना कि आपको क्या बताओ, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। कोई भी कलर का आप एंकल लेंथ लेगिंग पहन लोगे ना इसके ऊपर, या प्लाजो भी पहनोगे ना, वो वाला प्लाजो मैंने दिखाया वो भी अगर पहनोगे ना, बहुत सुंदर लगने वाला है। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर जो एम्ब्रॉयडरी दी है वो बहुत ज्यादा फाइन की हुई है। उसके बाद यहाँ पर बटन्स है, और हाँ इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा सा घोटाला बोल सकते हो आप, कि ये जो साइज मैंने ऑर्डर की थी यम साइज, आपको पता ही है यम साइज मुझे लगती है, और मुझे रिसीव हुई है एस साइज। कैसे आएगा समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ना एक्सचेंज करने के लिए डाला है, तो एक्सचेंज जब तक होगा नहीं मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ तब तक, क्योंकि एक्सचेंज अभी 2-3 दिन तो लगेंगे एक्सचेंज के लिए, 2-3 दिन किस लिए, 3-4 दिन लग जाएंगे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ आपको, तो इसी वजह से मैंने दिखा दिया। इसे पहन के भी मैं आपको दिखा दूंगी, थोड़ा सा टाइट होगा, माइंड मत करना सिर्फ। तो बस ये वाला, और यहाँ पर ना इसकी डोरी है रेड कलर की, तो ये ऐसे ही खुली छोड़ो तो भी अच्छी लगेगी, और इसे बांधो तो भी थोड़ी सी फिटिंग आएगी इसकी, बहुत अच्छी लगेगी। और उसके बाद यहाँ पर ये पाइपिंग दी हुई है रेड कलर की, इसकी वजह से बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। तो मुझे पर्सनली ये बहुत ज्यादा सुंदर लगा, अच्छा लगा। और आप देख सकते हो पूरी कुर्ती में डिजाइन है इस तरह से, और ये स्लीव्स पे भी डिजाइन है, 3-4 स्लीव्स दी है, पैक नेक दिया हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये। और उसके बाद लिया है मैंने ये वाला कुर्ता, एक नंबर कुर्ता है, आंख बंद करके आप ले सकते हो, आंख बंद करके नहीं लोगे मुझे पता है, बट बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है, हल्दी फंक्शन हो तो भी आप पहन सकते हो, बट ये इतना महंगा यार, हल्दी फंक्शन में हल्दी से खराब हो जाएगा, मैं तो नहीं पहनने वाली हूँ, आप अगर पहनना चाहो तो पहन सकते हो, लेकिन मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आया ये कुर्ता। और ये कुर्ता इंडियन विरासत से है, तो इंडियन विरासत के कपड़े तो मतलब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छी क्वालिटी के होते हैं ना कि आपको क्या बताऊँ। 3-4 स्लीव्स दी है, मुझे 3-4 आती है,
आपको शायद लॉन्ग हो जाए क्योंकि मेरी हाइट ज्यादा है, इसी वजह से आपको यहाँ तक आएगी, मुझे यहाँ तक आती है। तो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा कुर्ता पसंद आया। और इसकी जो ये है घेर देखो आप, बहुत ज्यादा घेर, जैसे स्कर्ट में घेर है ना उतना ही ज्यादा घेर इसमें है। इसके अंदर अस्तर भी दिया हुआ है, बिल्कुल सी थ्रू नहीं है, कॉटन का कुर्ता है मेन। और इसके अंदर ना ऐसे गोल्डन गोल्डन आप देख सकते हो पास से, मतलब पार्टी वेयर ड्रेस है ये। इसके ऊपर आप गोल्डन कलर की चुन्नी ले लो, लेगिन पहन लो, या कोई भी गोल्डन कलर का लेगिन पहन लो, या गोल्डन कलर का प्लाजो पहन लो, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। स्कर्ट के ऊपर भी मैं आपको पहन के दिखा दूंगी, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है ये पहनने के बाद, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और येल्लो तो मेरा फेवरेट है ही। और उसके बाद मैंने इनके लिए लिया है गुड़ी पाड़वा के लिए। गुड़ी पाड़वा का ड्रेस तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया इनका। ये आप देखो कुर्ता और धोती सेट है ये, आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। इनको मैं पहने हुए दिख दूंगी आपको, बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है, मुझे लगा भी नहीं था। सच में मैंने ट्राई करने के लिए लिया था और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, इनको भी बहुत ज्यादा पसंद आया। और हाँ, शॉप में अगर जाओगे तो इस प्राइस में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको ये वाला कुर्ता सेट। तो मुझे सच में इसकी क्वालिटी, इसका फैब्रिक सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसकी स्टिचिंग वगैरह सब बहुत अच्छी है। इस तरह से फ्रंट है, उसके बाद स्लीव्स आप देखो मरून कलर में लिया है। इसमें भी कलर ऑप्शन काफी सारे थे तो मैंने मरून, थोड़ा सा रेडिश मरून में लिया है ये। और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कलर। और एक कलर था थोड़ा सा डिस्टेम्पर कलर टाइप, तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, बट मैंने सोचा चलो ये ट्राई करने के लिए ले लेते हैं, उसके बाद अगर पसंद आता है तो वो भी ले लेंगे। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो कभी वो भी ऑर्डर कर दूंगी इनके लिए। ये कुर्ता है और उसके बाद सिल्वर कलर में या मोती कलर में आप बोल सकते हो, मतलब थोड़ी सी शाइन है इसमें, व्हाइट कलर नहीं है ये, शाइन है, पर्ल कलर बोल सकते हो आप इसे। तो उस तरह से धोती दी हुई और इतनी सुंदर है धोती, इतनी अच्छी क्वालिटी की है। फर्स्ट टाइम ये धोती पहन रहे हैं, मतलब कुर्ता पैजामा ही हमेशा पहनते हैं, बट मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, तो इसीलिए मैंने इनके लिए धोती कुर्ता ऑर्डर कर दिया था। इतना पसंद आया ना इनको, जिस दिन ये रिसीव हुआ था बहुत ज्यादा खुश थे वो, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फिर नेक्स्ट मैंने लिए हैं शू। ओ बहुत ज्यादा लाइट वेट शू है, और इनके पास ब्लू कलर में शू था, डार्क ब्लू कलर में स्पार्क का ही, बट मुझे ब्लैक कलर में बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये, तो इसी वजह से मैंने इनके लिए ऑर्डर कर दिया था। और ये देखो काफी ज्यादा प्यारा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर ये गोल्डन कलर का ये स्पार्क का जो साइन दिया हुआ है ना, उसकी वजह से और भी ज्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पर स्पार्क लिखा हुआ है। और इतना ज्यादा लाइट वेट है ना ये शू कि आप अगर पहनोगे तो आपको कंफर्टेबल तो महसूस होगा ही, बट उसके बाद ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपने पहना हुआ है कुछ, इतना ज्यादा लाइट वेट है। मुझे पर्सनली स्पार्क के शूज ना बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि लाइट वेट होते हैं इसी वजह से, और ब्रांड है यार, और इतने कम प्राइस में होते हैं ना इनके, जिसके हमें दूसरे ब्रांड के लिए प्राइस 2,000-3,000 उससे भी ज्यादा पे करनी पड़ती है, वो ये 1,000 के अंडर ही आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब 5 स्टार है इसके लिए भी। जो भी मैंने अभी परचेस किए है ना, जो भी जितने भी आइटम मैंने आपको दिखाए 5 स्टार वाले आइटम है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के है। आप आंखें बंद करके ले सकते हो। यार बार बार मैं क्या बोलती रहती हूँ, आंखें बंद करके ले सकते हो, कैसे बंद करोगे आप आंखें, और कैसे लोगे, कैसे ऑर्डर प्लेस करोगे। ये वॉच अपने लिए टाइमेक्स की वॉच है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है वॉच, आप देख लो। और इस प्राइस में ये वॉच नहीं मिलने वाली कोई भी शॉप में आपको। ये देखो टाइमेक्स की वॉच है, ओरिजिनल वॉच है। उसके बाद आप देखो ये इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से पैकेजिंग होके आई थी ये वॉच, और उसके बाद अभी तक मैंने ओपन नहीं की है, मैंने सोचा चलो आपको दिखा दूंगी और उसके बाद मैं इसको यूज करना स्टार्ट कर दूंगी। देखिए बहुत ही ज्यादा सुंदर है वॉच, मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छी लगी वॉच। और गोल्डन कलर में मैंने ऑर्डर की है, और यहाँ पर अंदर ब्लैक कलर है। थोड़ा सा मैं ओपन करके भी आपको दिखा देती हूँ, चल नहीं रही है ये, नहीं इसमें सेल डालना पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर वॉच है, और ये है मेरा नेक्स्ट परचेस, आपको लगा के दिखा देती हूँ। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यार, ये देखिए मुझे पर्सनली सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आई वॉच, और ब्रांड टू ब्रांड होता ही है यार, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आप किसी भी आउटफिट पे पहन सकते हो, तो इसी वजह से ये कल निकाल के लानी पड़ेगी, इसकी थोड़ा सा ऐसे टाइट होगी ना तो अच्छी लगेगी, मतलब ये ऐसे इधर उधर नहीं जाएगा डायल। वैसे लूज भी अच्छी लगती है, बट मुझे ना एक एक वो
निकालना ही पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से है, मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो चलिए मैं इसे पहन के आपको दिखा देती हूँ सारी चीजों को। तो गाइज अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है और आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है आपके लिए, आप चेक कर लेना। और अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर चेक कर लेना। और आपको परचेस करना है तो लिंक पे क्लिक करना और वहां से आप इसे परचेस कर सकते हो। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। इधर खाएंगे या उधर खाओगे? अहो उधर, इनको टीवी के पास ही अच्छा लगता है ज़्यादा, क्योंकि आराम से हम लोग वहाँ पर बैठे और फिर आराम से खाना खा सकते हैं। इसी वजह से चलो उधर ही लेके जाती हूँ सब कुछ और उधर ही खाना खाएंगे। और क्या क्या बनाया आज खाने में वहाँ पर ही दिखाती हूँ आपको। तो गाइज खाने में आज क्या क्या बनाया है वो दिखा देती हूँ। आज बनाया है मट्ठा बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला, और उसके बाद ये दाल फ्राई है, और उसके बाद भिंडी की सब्जी है तो ढक्कन निकल ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर भिंडी की सब्जी बनाई है। और उसके बाद राइस है, वाइट राइस, और ये थाली पीठ रात के बचे थे। उसके बाद ये वही लूंजी मैंने आपको बताई थी ना वो, और रोटी, ये है आज खाने में। चलिए खाना खा लेते हैं और उसके बाद मिलती हूँ। एक्चुअली उस दिन मैंने आपको ये मशीन दिखाई थी, ये मशीन ना चल नहीं रही है, मीन्स काफ़ी दिनों से बंद थी ना, तो इसी वजह से इसका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, इससे सिलाई होती है, ये चल नहीं रहा। तो ये क्या कर रहा है अभी घर में देख रहे हैं करके कि होता है क्या, तो मोबाइल में यूट्यूब पे एक्चुअली वीडियो देख रहे हैं और वीडियोस देख देख के कर रहे हैं कुछ, देखेंगे अभी सक्सेस होता है या नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चल रही यार। इतनी महंगी मशीन मैंने ली थी उस टाइम, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि यार इतने दिनों से मैंने रखी क्यों थी ये मशीन, होगी या नहीं पता नहीं, बाहर ले हाँ होगी क्यों नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा इसको यूज़ किया ही नहीं हमने, थोड़ी सी जाम हो गई होगी है ना। जाम भी नहीं हुई है फिर, क्योंकि अपन ने को ऑपरेटिंग मालूम नहीं है ना इतना। अच्छा अच्छा, तो अभी जैसे ऑपरेटिंग के बारे में पता चलेगा तो सब सीख जाएंगे। तो अभी देखेंगे क्या होता है, तो ये वीडियोज़ तो देख रहे हैं वैसे, देखेंगे, नहीं तो फिर ये वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा रिपेयरिंग के लिए शॉप में, होगी नहीं तो है ना, हो जाएगी घर में बोल तो रहा है, देखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा है ना, कुछ नहीं हुआ अभी, चालू करके हो जाएगा देखना। ठीक है, जल्दी हो जानी चाहिए यार, वैसे मुझे बहुत मतलब पसंद है ये जल्दी मैं इस पर सिलाई करना चाहती हूँ कुछ तो भी, मतलब
घर के घर में अल्टर कराना है मुझे कुछ, तो इसी वजह से। एक्चुअली उस दिन का बैटर बचा था और मुझे याद ही नहीं था, खाना बना लिया उसके बाद याद आया कि बैटर बचा है घर के, तो इसी वजह से ये डोसे बना रही हूँ अब। तो चलो ये डोसे बन जाएंगे, हम खा लेंगे। और इसके साथ ना कुछ है नहीं अभी, तो चटनी बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो ये शेजवान चटनी ही ली है, तो शेजवान चटनी के साथ ही खाएंगे अब। वैसे सब्जी रोटी तो बन गई है, तो ऐसे ही ये बन रहा है, थोड़ा सा सब्जी रोटी बच जाएगी अभी इसकी वजह से। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन आएगा उस पर ऑल पर क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और आपने अभी तक मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसके अलावा मेरे दो चैनल और हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो इंस्टा के लिए एक बार ज़रूर चेक कर लेना, आपको पसंद आएगा पक्का, वहाँ पर मैंने फोटोज़ और रील्स काफ़ी अच्छे अच्छे अपलोड किए हैं, तो आपको पक्का पसंद आने वाला है, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।